हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलो आज हम बनाने जा रहे हैं दही बड़ा। आप इसे दही वड़ा भी बोल सकते हैं या फिर दही भल्ला भी बोल सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारी ये दही भल्ले की रेसिपी। आप देख सकते हैं कि दही भल्ले मेरे कितने अच्छे से बन के तैयार हुए हैं। एकदम सॉफ्ट हैं, स्पॉन्जी हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो इस तरह के सॉफ्ट दही भल्ले बनाने के लिए अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। तो दही भल्ला बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है। एक कटोरी मैंने यहाँ पे ली है उड़द की दाल, साबुत उड़द की दाल ली हूँ मैं यहाँ पे, और आधी कटोरी मैंने मूंग दाल ली है। धुली मूंग दाल आधी कटोरी और एक कटोरी उड़द की दाल। अब दोनों को हम एक बाउल में डाल देंगे इकट्ठे। अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इकट्ठा डाल दें और फिर उसके बाद इसे पानी डाल के अच्छे से वॉश कर लें और रात भर के लिए इसे पानी में ही भिगो के रख दें। देखिए पहले इसे अच्छे से वॉश कर लें। तो हमने अच्छे से दाल को वॉश कर लिया है और अब हम इसको रात भर के लिए पानी में डाल के रख देंगे। तो ये देखिए सुबह मेरी दाल फूल के कितने अच्छे से तैयार हो गई है, बहुत अच्छी फूल गई है। तो अब हम इसे एक बार और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है ये पूरा पानी निकाल देंगे, साफ कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ज़रूरत लगे तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी, एक दो चम्मच डाल सकते हो, बट ज़्यादा पानी ना डालें क्योंकि ज़्यादा गीला हो जाएगा, एकदम पतला बैटर बन जाएगा तो हमारे दही भल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। सो यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड बैटर बनाइए। तो थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे अपनी दाल लेते जाएंगे और उसको ग्राइंड करके एकदम अच्छे से बैटर बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से ही आपका भी बैटर बनना चाहिए, बीच में साबुत कुछ भी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से ग्राइंड हो जाना चाहिए। तो ये देखिए ऐसा ही हार्ड हार्ड आपका भी बैटर बनना चाहिए। तो अब जल्दी से हम बाकी का भी सारा ग्राइंड कर देते हैं। तो मैंने ये सारा जितना भी दाल भिगोई थी उतना ग्राइंड करके मेरा ये बाउल आधे के करीब करीब भर गया है। तो अब हम इसे थोड़ा सा शेक कर लेंगे हाथ से। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये बाउल छोटा है, इसमें अच्छे से शेक नहीं कर पाएंगे हम, फेंट नहीं पाएंगे इसको। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक बड़ी परात लेंगे। परात में हम ये सारा मटेरियल यहाँ पर डालेंगे अपनी दाल का ग्राइंडेड मटेरियल। तो अब हम इसको परात में अच्छे से फेंटेंगे फ्रेंड्स। तो फेंटना है यहाँ पे आपको कम से कम 10 मिनट, 10 मिनट से कम बिल्कुल मत फेंटिए, 10 मिनट तक इसे अच्छे से फेंटिए। तो आप अपने आप देखेंगे कि आपकी दाल एकदम से सॉफ्ट, हल्की, जैसे क्रीम होती है ना, बिल्कुल क्रीम के जैसी आपकी दाल बन जाएगी। तो इसे 10 मिनट तक आपको अच्छे से फेंटना है। आप देख सकते हैं दाल की यहाँ पे क्वांटिटी कितनी कम है, कितनी थोड़ी सी लग रही है, बट जब पूरे 10 मिनट हो जाएंगे तो ये देखिए मेरे 10 मिनट हो गए हैं। तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से पूरी परात मेरी एकदम दाल से भर गई है। बस इस तरह का जब क्रीमी टेक्सचर आपकी दाल का आ जाता है ना, तो ये एकदम परफेक्ट टेक्सचर है। यहीं तक आपको लेकर आना है इसे अच्छे से फेंट के। बस इस तरह की जब आपकी दाल बन जाएगी उसके बाद आपको फेंटना बंद कर देना है। तो अब मैं आपको उसी बाउल में डाल के दिखा रही हूँ, पहले दाल कितनी कम थी और अब देखिए मेरी दाल से ये पूरा बाउल भर जाएगा। ये देखिए पहले दाल हमारी हाफ हाफ तक थी और अब देखो ये पूरा बाउल मेरा भर गया है। बस यही मेहनत का काम है। इसके बाद दही भल्ले बनाना बहुत इजी है, आराम से बस फ्राई करना है और दही भल्ले हमारे रेडी हैं। तो चलो अभी हम इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। हमारा जो बैटर है वो बहुत अच्छे से परफेक्ट बन गया है। अब एक पैन ले लेंगे, पैन में आप तेल डाल दें। तो तेल डालने के बाद अब हम देख लेते हैं कि हमें स्टफिंग किसकी करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सिर्फ किशमिश की स्टफिंग कर रही हूँ, आप चाहें तो और भी चीजें डाल सकते हैं स्टफिंग के लिए। तो चलो देखें अब हमारा बैटर कैसे बन के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। तो आपको चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी लेना है और पानी में थोड़ा सा बैटर डाल के चेक करिए। अगर आपका बैटर ऊपर आ जाता है तो आपका बैटर एकदम बन के रेडी है। अब हाथों पे थोड़ा सा पानी लगाइए, थोड़ा सा बैटर लीजिए हाथ पे और इस तरह से इसके बीच में तो एक किशमिश का पीस आराम से साइड से डाल दीजिए। ये देखिए इस तरह से किशमिश का एक पीस डाल के ऊपर से इसे बंद कर दीजिए और अब दूसरे हाथ पे इसे गोल शेप में ले लीजिए और फिर इसे आराम से तेल में डाल दीजिए। बस इस तरह से आपको डालते जाना है, अपने बैटर के थोड़ा थोड़ा पीस लेते जाना है, किशमिश डालते जाना है और डालने के बाद ऊपर वाली साइड पे थोड़ा थोड़ा सा तेल डालते जाएं। चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा सा तेल आपने एक एक पीस के ऊपर डालते जाएं। फ्लेम आप यहाँ पे मीडियम ही रखें
और इन्हें अच्छे से फ्राई होने दें। चार पांच मिनट में ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं फ्रेंड्स, एकदम बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं पानी बना लेती हूँ। तो पानी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक बाउल में पानी लिया है, ये गर्म पानी है। इसमें मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा इमली, ज्यादा गर्म पानी भी ना लें, बस गर्म होना चाहिए नॉर्मल, तो एकदम बॉइल्ड पानी नहीं होना चाहिए। तो उसमें डाल दीजिए आप यहाँ पे इमली, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक और एक चम्मच यहाँ पे चीनी डाल दीजिए। बस इन चीजों को डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो हमारा पानी एकदम से रेडी हो गया है यहाँ पे। तो इस पानी में अब हम डालेंगे हमारे भल्ले। तो भल्ले एकदम से बन के हमारे रेडी हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे भल्ले कितने अच्छे से बन के रेडी हुए हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कितने सॉफ्ट हैं, बाहर से एकदम हार्ड हैं क्रंची टाइप के और अंदर से एकदम सॉफ्ट, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है फ्रेंड्स। इस तरह से एक बार बना के जरूर ट्राई करें। सारा जितना भी इसका ट्रिक है वो फेंटने पे है, बैटर जैसा आपका फेंटा होगा वैसा ही आपका दही भल्ला बनेगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से हमारे दही भल्ले रेडी हैं। तो अब हम एक एक करके इनको डाल देंगे अपने इस पानी में। इसे अच्छे से पानी पीने दीजिए फ्रेंड्स, बीच में डुबोइए, दो मिनट के लिए इस तरह से करिए, ये एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद पानी को स्क्वीज करिए, पूरा पानी प्रेस करके निकाल दीजिए और फिर हम अपने दही भल्ले को एक प्लेट में रखेंगे। फिर उसके बाद आप गार्निशिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपल ही गार्निशिंग कर रही हूँ, बहुत सारा दही डाल दिया है मैंने, इमली और गुड़ की चटनी डाल रही हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे चाट मसाला डाल रही हूँ। कुछ अनार के दाने डाल रही हूं और थोड़ा सा नमक डाल रही हूं। तो हमारा जो दही भल्ले का जो ये मैंने चाट बनाया है ये बन के रेडी है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग गार्निशिंग कर सकते हैं, हरा धनिया या फिर पुदीना, किसी भी चीज की चटनी, जैसा भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल गार्निशिंग की है, बस एक दो इंग्रेडिएंट ही डाले हैं। तो ये रहे मेरे दही भल्ले, एकदम बनके रेडी हैं। तो अगर आप क्रिस्पी और स्पाइसी दही भल्ला बनाना चाहते हो तो उसके लिए अब हम मसाले वाला भल्ला बना के रेडी करेंगे फ्रेंड्स। तो आधा सा बैटर मैंने अलग कर दिया था, उसमें अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे प्याज, छोटे छोटे पीसेस में प्याज कट कर लें। हरी मिर्च अगर तीखा ज्यादा खाते हैं तो तीखा ज्यादा मिर्च ज्यादा डाल दें यहाँ पे। अब हम यहाँ पे डालेंगे भुना हुआ जीरा, ये मैंने एक चम्मच यहाँ पे भून के पीस लिया था। और अब हम यहाँ पे डालेंगे थोड़े से काले मिर्च, थोड़े से काले मिर्च। अब चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं यहाँ पे, आप तीखा अगर ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है नमक और अब हम डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता यहाँ पे आप थोड़ा सा क्रश करके डाल दीजिए। बस इतनी ही चीजें डालिए, इसे अच्छे से मिक्स करिए। ये है मसाला भल्ला, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। आप चाहें तो दही भल्ले की तरह भी इसे खा सकते हैं या फिर ऐसे ही बिना दही के भी खा सकते हैं। अब हम इसे उसी तरह से छोटे छोटे राउंड राउंड बैटर्स बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे और बैटर के ऊपर ऊपर तेल डालते जाएंगे ताकि ये बहुत अच्छे से फूल के तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि हमारे मसाला भल्ले की कलर कितना अच्छा आ रहा है, एकदम डार्क गोल्डन ब्राउन कलर आया है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से आपको फ्राई करना है इसको, बाहर से ये एकदम क्रिस्पी और क्रंची होगा, अंदर से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी इस तरह से बनते हैं फ्रेंड्स। आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर नॉर्मल दही भल्ला बना के भी रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक मैं आपको कट करके बताती हूँ, ये भी आप देखिए कितने अच्छे से अंदर से सॉफ्ट है और बाहर से एकदम क्रंची, बहुत ही टेस्टी है, स्पाइसी है और क्रंची है। मे भी आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। तो अगर आप इसे भी दही भल्ले की तरह बनाना चाहते हैं तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लीजिए। अब उसके बाद इसके ऊपर आप दही डालिए, अच्छे से भर के दही डालिए, अगर ज्यादा खाना चाहते हैं तो ज्यादा, नहीं खाना चाहते हैं तो कम डालिए। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हमारी इमली की चटनी, ये मैंने घर पे बनाई है इमली की चटनी। तो अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे धनिया और पुदीने का मैंने पेस्ट बनाया था, थोड़ा सा मैं वो डाल रही हूँ।
अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी चाट मसाला। यहाँ पे अब हम चाट मसाला डाल देंगे थोड़ा सा, और कुछ मैंने यहाँ पे लेज को क्रश करके यहाँ पे मैंने लेज डाल दिए हैं चिप्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।